तो दोस्तों आज हम बात करेंगे BGMI का नेक्स्ट पॉपुलैरिटी बैटल को लेके। तो BGMI के अंदर आप लोगों का नेक्स्ट जो पॉपुलैरिटी बैटल आएगा वो एक नहीं आएगा, आप लोगों का एक साथ दो पॉपुलैरिटी बैटल आएगा एंड वो भी आप लोगों का यूनिक वाले एंड रिवॉर्ड्स भी उसके अंदर जो है यूनिक वाले होने वाले हैं। तो कब आएगा, कैसा होगा वो यूनिक रिवॉर्ड्स एंड कैसा होगा वो यूनिक पॉपुलैरिटी बैटल एंड रिवॉर्ड्स के अंदर क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सब स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कब आने वाला है पॉपुलैरिटी बैटल। तो दोस्तों BGMI के अंदर अगर अपकमिंग 3 to 4 days के अंदर आप लोगों का पॉपुलैरिटी बैटल आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप लोगों का 2.9 अपडेट आने के बाद ही आप लोगों का जो है पॉपुलैरिटी बैटल आने वाला है। एंड 2.9 अपडेट जो है कब आने वाला है BGMI के अंदर उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर इस वीडियो को देख लो एंड वहाँ पर मैंने जो डेट वगैरह है वो बता दिया है कि आप लोग का किस डेट को आप लोग का BGMI का 2.9 का जो अपडेट है वो आने वाला है एंड उसी अपडेट के अंदर आप लोगों का तब आएगा। अगर इनकेस 3 to 4 days के अंदर अगर आप लोगों का BGMI के अंदर पॉपुलैरिटी बैटल नहीं आता है तो फिर आप लोगों का 2.9 अपडेट के बाद ही आप लोगों का जो है पॉपुलैरिटी बैटल आएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉपुलैरिटी बैटल आप लोगों का होगा, जैसे कि बताइए आप लोगों का यूनिक वाले होंगे तो आप लोगों का नेक्स्ट जो पॉपुलैरिटी बैटल होगा ये आप लोगों का टीम अप वाला जो पॉपुलैरिटी बैटल है वो होने वाला है। तो टीम अप पॉपुलैरिटी बैटल का कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा, इसका यहाँ एज अ टीम बोल सकते हो कि लेवल अप करना होगा एंड इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आएगा BGMI के अंदर तब आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, तो फिर आप लोग प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर खुद टेस्ट कर पाओगे एंड समझ पाओगे इजीली। लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड्स क्या क्या होने वाले हैं आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। प्लेयर कार्ड्स वगैरह तो है पर लेवल 3 में आप लोग देख सकते हो फ्री में आप लोगों को अपग्रेडेबल वाला इमोट मिलेगा। फाइनली आप लोगों को फ्री में अपग्रेडेबल वाला इमोट मिलेगा एंड उसके बाद मतलब फ्री वाला रिवॉर्ड लेने के बाद आप लोग जो है मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट करके आप लोग इसको अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए यूज ही लगेगा लेकिन आप लोग का अपग्रेडेबल वाला इमोट आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा अगर लेवल 3 तक आप लोग पहुंच जाते हो तो। एंड जो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ओपी है। बाकी आप लोगों के इन्फो कार्ड्स वगैरह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये कब आ सकता है वो तो ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद 2.9 में और एक पॉपुलैरिटी बैटल आएगा जो एकदम अलग कंसेप्ट होने वाला है एंड इसका नाम है एनुअल गाला एंड ये अमीर लोगों के लिए बोल सकते हो कि ये एग्जैक्टली होने वाला है क्योंकि अगर यहाँ कोई रैंकिंग 1 से लेकर 5 आता है तो उसका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा एंड इन गेम आइटम्स मिलेगा। फिर इसके अलावा उसको इन रियल लाइफ यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह भेजा जाएगा क्राफ्टन की तरफ से। पर जैसे कि बताइए अमीर वालों के लिए है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रैंकिंग रखोगे तभी जाकर यहाँ पर फायदा है एंड इसका भी रेगुलेशंस अभी नहीं बता रहा हूँ, जब आएगा तब बता दूंगा, देन आप लोगों को समझने में और भी थोड़ा आसानी होगा। आप लोग खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिकल जाकर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर समझ पाओगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि ये आप लोगों का कैसे एग्जैक्टली काम करने वाला है। तो यहाँ आप लोगों को पॉपुलैरिटी बेसिस पे आप लोगों को ग्रेड मिलेगा, ठीक है, एंड उसी ग्रेड के हिसाब से आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेगा एंड जितना अच्छा ग्रेड होगा उतना अच्छा रिवॉर्ड्स एंड उतने परमानेंट रिवॉर्ड्स, मिथिक टाइटल फ्रेम, नेम टैग एंड लिमिटेड मर्चेंडाइज। एंड लिमिटेड मर्चेंडाइज मतलब आप लोगों के घर में गिफ्ट भेजा जाएगा क्राफ्टन की तरफ से। इसके अलावा आप लोगों का लेवल वाइज रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर होगा जैसे कि पॉपअप फिनिश, पॉपुलैरिटी पॉइंट्स, प्लेयर कार्ड, इन्फो कार्ड, अवतार, फिर लेवल 5 में अवतार फ्रेम एंड हेलीकॉप्टर वाला पॉपुलैरिटी। एंड आप लोग इसका फ़ायदा जानते ही होंगे, हेलीकॉप्टर वाला पॉपुलैरिटी अगर किसी को गिफ्ट करते हो तो उसका कितना पॉपुलैरिटी इंक्रीज होता है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना। एंड साथ में यहाँ पर मिथिक प्लेयर कार्ड, मिथिक इन्फो कार्ड, लेवल 7 पर मिथिक पार्टनर पोस्ट जो बहुत ही ओपी है एंड लेवल 8 पर आप लोग देख सकते हो परमानेंट लॉबी विंटर थीम वाला। लेकिन लेवल 8 तक जाने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एंड उतने तक जाने के लिए नॉर्मल बंदों के लिए पॉसिबल तो नहीं है। तो आप लोग सर कौन सा बताना कि आप लोगों को रिवॉर्ड्स कौन से वाले अच्छे लगे, गाला वाला या फिर नॉर्मल वाला जो आप लोगों का टीम अप वाला आने वाला है, ठीक है, ज़रूर कौन सा बताना। मेरे हिसाब से बताऊँ तो मेरे को नॉर्मल वाला जो मतलब आप लोगों का आने वाला है टीम अप वाला वही मेरे को अच्छा लगा है क्योंकि एनुअल गाला वाला जो है वो मेरा औकात से बाहर है और औकात से बाहर सोचना बुरी बात होता है, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो भी हो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट से बताना एंड चैनल पर न्यू हुआ तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो लाइक फटक से कर दो एंड न्यू सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि BGMI के अंदर क्या क्या रिवॉर्ड्स यहाँ पर आने वाला है, इवेंट्स आने वाला है एंड ऐसे कंटेंट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहना। तो चलिए
चलिए आज के वीडियो का ही रखते, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।